गुजरात 32 पीपी का गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा नाजरीन सामने आ गया। मोनिस इलाही ने मैदान मार लिया, परवेज इलाही यहाँ से हार गए। मोनिस इलाही यहाँ से 63,536 वोट ले चुके हैं, जबकि परवेज इलाही ने 18,237 वोट हासिल किए हैं। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, ये मुकम्मल नतीजा है पीपी 32 गुजरात का। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मूसा इलाही, जिनको पूरे ही इलेक्शन में सुबह से लेकर तमाम तर जो रिजल्ट आए हैं उसमें वाजे मार्जिन से लीड नजर आती रही, अभी भी जो मुकम्मल नतीजा आया है यहाँ का गैर सरकारी, उसके मुताबिक 63,536 वोट्स लेने में ये कामयाब हुए हैं, जबकि परवेज इलाही सिर्फ उनके मुकाबले में 18,237 वोट्स हासिल कर सके हैं। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, और चूंकि एक ही खानदान के दो मुख्तलिफ अफराद, दो मुख्तलिफ पार्टी से जिनका ताल्लुक आपस में कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, ऐसे में ये फैमिलीज के अंदर होने वाले इलेक्शन में एक बड़ा मार्जिन है और एक बड़ी लीड है मूसा इलाही के लिए, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है, जो 63,536 वोट्स लेने में कामयाब हुए हैं। जबकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के परवेज इलाही 18,237 वोट्स लेने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, लाहौर से आपको ये बता रहे थे कि कौमी सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के बाद नतायज आने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। जी हाँ, नतायज आए जा रहे हैं। गुजरात से कामयाब मुस्लिम लीग काफ के, जो हमने आपको वोट बताया, वो 63,536 वोट थे जो मूसा इलाही ने हासिल किए, जबकि परवेज इलाही उनके मद्दे मुकाबले थी जिन्होंने 18,237 वोट हासिल किए हैं।